हेलो दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी तो इसके आपने इंट्रो में ही देख ली होगी, बट रुकिए, डिटेल में जानते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी, इसके सभी कॉन्फ़िगरेशंस, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अब हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, हम रिव्यू करने जा रहे हैं हेवल की तरफ से आने वाला ये लॉयड 32 इंच का स्मार्ट LED TV का। यहाँ पर आप इसका मॉडल नेम देख सकते हैं, 32HS410D। ये इसका मॉडल नेम है। 32 इंचेस में आने वाला ये एक स्मार्ट LED TV है लॉयड की तरफ से आने वाला। दोस्तों, इसका डिटेल रिव्यू हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सच में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और दोस्तों, इसके बारे में सभी डिटेल हम जानेंगे तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए कंटिन्यूसली देख लीजिए। जल्दी से मैंने इसे अनबॉक्सिंग किया है ज़्यादा टाइम न गवाते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ ये 32 इंच का फ्रेमलेस मॉडल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। पहले देखते हैं बॉक्स कॉन्टेंट में इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई। पहले आप देख सकते हैं ये है इसका मैनुअल, इसमें इस TV रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दी होती है। आपको इसे रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में हर एक पॉइंट वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका रिमोट कंट्रोल, बहुत ही स्लिम रिमोट कंट्रोल है। फ्रंट साइड आपको लॉयड की ब्रांडिंग दिखाई दे रही होगी और इसमें आपको प्राइम वीडियो एंड यूट्यूब की डायरेक्टली प्रोवाइड की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही स्लिम रिमोट है। इसके साथ आपको इसकी दो बैटरियाँ भी प्रोवाइड किए जाती हैं। इसे टेबल माउंट करने के लिए ये 2 स्टेबल स्टैंड प्रोवाइड किए जाते हैं और इसे फिट करने के लिए ये 4 स्क्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, जो मैंने 2 अभी इसे फिट किए। दोस्तों, साथ में आपको इसके साथ ये वॉल माउंटिंग ब्रैकेट भी देखने को मिलेगा, जिससे आप इस टीवी को दीवार पर भी सेट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ये है इसका वॉल माउंटिंग ब्रैकेट। ये है इसका फ्रंट साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर साइड में बॉर्डर देखने को नहीं मिलेगी, जिससे आपको टोटल 32 इंच का डिस्प्ले ओवरऑल देखने को मिलेगा। ये फ्रेमलेस मॉडल है, बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आप इसे बैक साइड से देख सकते हैं। दोस्तों, ये है इसकी बैक साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका मॉडल नेम, कुछ पावर के बारे में, पावर कंजम्पशन के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं। साथ में इसके साथ आपको एक्स्ट्रा कोई ब्रैकेट परचेस करने के लिए, मतलब मूवेबल वगैरह ब्रैकेट परचेस करके इसे सेट करना है, तो उसके लिए ये 4-पॉइंट स्क्रू के लिए दिए हुए हैं। आप एक्स्ट्रा भी मूवेबल वॉल माउंटिंग ब्रैकेट इसे अटैच कर सकते हैं। इसके साथ जो प्रोवाइड किया है उसके लिए यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होगी, इसमें उसे आपको अटैच करना है। इसकी बॉडी जो है वो ABS प्लास्टिक की बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये है इसका बैक साइड। दोस्तों, कनेक्टिविटी फीचर में आपको यहाँ पर आपको HDMI केबल, USB पोर्ट्स और AV केबल के कनेक्शंस साइड में और नीचे देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पहले ऑप्शन पर 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। RJ45 केबल अटैच करने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। HDMI 1 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और HDMI 2 का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप ऑप्टिकल केबल अटैच कर सकते हैं और RF इन के लिए यहाँ पर आपको जगह दिए हुए। इस साइड आपको AV केबल के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और USB के 2 कनेक्शन पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसी तरह से ये है इसका कनेक्टिविटी फीचर्स और यहाँ पर आप इसकी पावर कॉर्ड देख सकते हैं। इसी तरह से ये बैक साइड से है इसके कनेक्टिविटी फीचर्स। यहाँ पर आपको नीचे की साइड और इस साइड आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम इसे ऑन कर दें। चलिए जल्दी से अब हम इसमें कुछ प्री सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसे ऑन करते समय कुछ प्री सेटिंग्स करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम स्किप करेंगे, आप यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन हम स्किप करेंगे। अगर आपको इसे वाईफाई से या हॉटस्पॉट से मोबाइल से कनेक्ट करना है तो उसका सेपरेटली चैनल पर वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड पॉलिसी इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने AV केबल अटैच नहीं किए तो यह हम स्किप करेंगे। इसी तरह से हमने इसकी सभी प्री सेटिंग्स कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ऑलरेडी वो स्टोर्ड है, इंस्टॉल किए हुए हैं। दोस्तों, चलिए अब हम इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। चलिए इसके डिस्प्ले के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जानते हैं। इसका रिजोल्यूशन जो है वो 1366x768 पिक्सल्स है, HD में आता है ये TV। इसका व्यूइंग एंगल जो है 178 डिग्री है, LED डिस्प्ले है
मतलब आप यहाँ पर 178 डिग्री में इसके आगे कहीं पर भी बैठकर इसे देखेंगे तो इसकी पिक्चर क्वालिटी आपको जबरदस्त दिखाई दे रही होगी। साथ ही साथ इसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज। दोस्तों इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लिनक्स का देखने को मिलेगा और ये एक एंड्रॉयड ओएस टीवी है। इसके साथ आपको 1 GB का रैम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 8 GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी, स्टोरेज देखने को मिलेगा। सपोर्टेड ऐप यहाँ पर आप पहले से ही देख सकते हैं, प्री डाउनलोडेड है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, Amazon इंस्टेंट वीडियो ब्राउजर। चलिए साउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इस LED टीवी में आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने को मिलेगा। इसमें आपको 2 साउंड प्रोवाइड किए जाते हैं। डाउनवर्ड साइड हर एक साउंड जो है वो 10 वॉट का आता है। इसके साउंड का कॉन्फ़िगरेशन है 5.1 एंड ये डॉल्बी ऑडियो सिस्टम के साथ आता है, जिससे आपको साउंड क्वालिटी अच्छी सुनाई देगी, बेटर साउंड एक्सपीरियंस होगा। इसके साथ आपको एस्पेक्ट रेशियो 16:9 का देखने को मिलेगा और कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1200:1 का देखने को मिलेगा। सो इसी तरह से ये थी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके कॉन्फ़िगरेशन, सभी के बारे में डिटेल्स। चलिए अब हम इसके सेटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं और उसकी साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी टेस्ट करते हैं। दोस्तों आपको अगर इसे इंटरनेट से मतलब वाईफाई से या हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है तो उसके रिलेटेड आपको चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेगा, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसे मोबाइल से कनेक्ट करना है तो इसमें आपको कास्ट का ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसकी भी सेटिंग डिटेल में मैंने एक अलग से वीडियो में अपलोड की है, वो आप चेक कर लीजिए। इसके साथ जो पैनल जो है इसका वो A1 ग्रेड का है। सो इसी तरह से ये लॉयड की तरफ से आने वाला 32 इंच का स्मार्ट LED टीवी है। Oh,